नजात के बारे में बाइबल की आयत इफिसियों 2:7, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यसु में हम पर है आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहाय दौलत दिखाए। रोमियो 1:16, क्योंकि मैं अंजील से शर्माता नहीं, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। माल 16:30, और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहबो मैं क्या करूं कि नजात पाऊं। माल 16:31, उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला, तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। यूहन्ना 5:24, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे बेचने वाले का यकीन करता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। मुकाशफा 3:20, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। दूसरा तमोथियस 1:9, जिसने हमें नजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुआफिक नहीं बल्कि अपने खास इरादा और उस फजल के मुआफिक जो मसीह यसु में हम पर अजल से हुआ। सबूर 62:1, मेरी जान को खुदा ही की आस है, मेरी नजात उसी से है, आमीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस के लिए शुक्रिया।